आज हम इस बैटरी को रिपेयर करने जा रहे हैं। ये एक 6 वोल्ट DC बैटरी है, इसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। ये रिचार्जेबल है। ये रिचार्जिंग नहीं पकड़ रही थी, ये चार्जिंग नहीं पकड़ रही थी, ये बैटरी बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं पकड़ रही थी। मीटर्स में आपको चेक करा देता हूँ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इस बैटरी को खोल के देख रहा हूँ मैं, इसके अंदर हो सकता है इसके सेल्स ड्राई हो गए हों। तो इसके ऊपर एक कैप होता है, इसे आप इस तरीके से फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे इसके 3 कैप्स होते हैं जिससे आप बैटरी एसिड फिल कर सकते हैं जिसके अंदर। तो ये कैप्स मैं रिमूव करके देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बैटरी तकरीबन ड्राई हो चुकी है। यस, ये बैटरी ड्राई हो चुकी है। तो अब इसे हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि एक ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे खोल सकते हैं, या हैक्सॉ की मदद से भी आप इसे कट करके खोल सकते हैं। मैं डेफिनेटली फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने इस बैटरी को खोल दिया है। और ये खोलने के बाद हम इसे अंदर देखते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी प्लेट्स लगी हुई हैं। आपने ध्यान से एक एक प्लेट्स को कट करना है। और ये आप वर्किंग बैटरी के अंदर बिल्कुल भी ट्राई ना करें एक्सपेरिमेंट, उधर ही आग लग सकती है। ये बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। ये बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो मैं इसे इजीली कट करके इसकी सारी प्लेट्स को निकाल दे रहा हूँ। वन बाय वन आपने सारी प्लेटों को कट करना है। और ध्यान में रहे कि ये जो है इसके अंदर के जो एसिड है, ये आपको इरिटेट भी कर सकता है। अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई स्किन सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, हैंड ग्लव्स। और ये पार्ट हमारे काम का है, बाकी हमारे काम के पार्ट्स नहीं थे, हम उन सबको फेंक चुके हैं। ये रेड टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और बाकी के टर्मिनल्स जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो सब बेकार हैं, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी यूज़ करने जा रहे हैं। 18650 कॉमन बैटरीज है, इसे लैपटॉप की बैटरी भी कहा जाता है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर नीचे फाइल कर लूँगा, रेती लगा लूँगा, इसको थोड़ा सा घिस लूँगा ताकि हमारी सॉल्डिंग अच्छी से हो सके। दो दो बैटरीज के पेयर बना लेंगे, पॉजिटिव एक ही साइड पर होने चाहिए, नेगेटिव एक ही साइड पर होने चाहिए। ध्यान में ये रहेगा, हम सुपर ग्लू यूज़ करते हुए इनको आपस में स्टिक करें, काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है। आप लोग भी स्टिक कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये हमारे पास इस तरीके के 3 पेयर बनेंगे क्योंकि हम 3S बैटरी का सेटअप यूज़ करने वाले हैं। 3S बैटरी मैनेजमेंट हमारे पास मॉड्यूल भी है, उसी से हम इसे चार्ज करेंगे। कैप्टन टेप यूज़ करते हुए मैं इनको आपस में पेयरिंग कर रहा हूँ इनकी। कैप्टन टेप के अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल टेप है तो आप उससे भी इसको पेयर कर सकते हैं। ये हमारे 3S बैटरीज रेडी हो गई हैं, 3 सेल एक तरीके से। यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉपर की शीट पड़ी हुई थी, मैं इसे इसमें यूज़ करने वाला हूँ। कॉपर की शीट नहीं है तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वायर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं इसकी जगह से। मैं कट कर लेता हूँ, और कट करके मुझे इसके तकरीबन 6 पीस बनाने हैं लेंथ के लिए, बैटरी को पैरेलल कनेक्ट करने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं पेयर्स बना रहा हूँ। पेयर्स बनाने के बाद हम इसके अंदर और भी कुछ करेंगे। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर तक अभी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि दूसरे आने वाले वीडियोस भी आपको पता चले। सैंड बेल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल फाइल से भी इसे घिस कर इसके कोडिंग हटा सकते हैं कॉपर के ऊपर से, ताकि सोल्डरिंग ईजिली हो जाए। और कुछ नहीं, सोल्डरिंग करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका ट्वीज़र है तो उसे यूज़ करें क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है, काफ़ी गर्म हो जाती है ये। और बैटरी कोशिश करें जल्द से जल्द सॉल्डर करें, पॉजिटिव दोनों एक तरफ सॉल्डर कर लिए, नेगेटिव दोनों। इस तरीके से हमारे पास 3 सेल ये रेडी हो गए। अब हम इनको लिंक करेंगे, आपस में लूप बनाएंगे इनका, ताकि ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 11.5 वोल्ट बन जाएंगे। और ये मेरे पास कुछ हैवी गेज वायर्स हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर मेन टर्मिनल्स के लिए। यहाँ मैं इनके हेड्स के पास सोल्डरिंग कर रहा हूँ और इसको तैयार कर रहा हूँ। दोनों तरफ सोल्डर करने के बाद ये वायर तैयार हो जाएंगे। 2 शॉर्ट पीस वायर भी मैंने लिए हैं, छोटे छोटे, दोनों तरफ के मैं वायर के हेड्स स्ट्रिप कर रहा हूँ। और वहाँ पर भी सोल्डरिंग कर लेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये वीडियो में अगर आप लोगों को कोई चीज़ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने छोटे वाले जो वायर के पीसेस बनाए थे इसको मैं अंदर की तरफ से सॉल्डर कर रहा हूँ ताकि ये आगे हमारा काम यहाँ से चल सके। ये हमने दोनों पीस सॉल्डर कर लिए और ये रेडी हो गया। इसमें मैंने ब्लैक पीस यूज़ किए हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव का अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं पीस कट करके निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा बैटरी चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल यहाँ पर हम फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी है, इसे आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए चार्ज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसके अंदर लूप बना रहा हूँ, वायरिंग डायग्राम में बीच में से ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा PDF फाइल, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एक मैंने नेगेटिव वायर जो सॉल्डर करके नीचे से पास कर दिया ऊपर की तरफ, ये हमारा मेन नेगेटिव वायर है। अब हम 2 और ब्लैक कलर के वायर्स इसके पॉजिटिव वाली साइड पे सॉल्डर करेंगे उसी बैटरी की। ये देखिए, हमने इसके अंदर पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर 2 ब्लैक कलर के वायर सॉल्डर कर दिए, जिसमें से एक जो है हमारा दूसरी बैटरी के अंदर जाएगा और एक हमारे चार्जिंग सिस्टम चार्जिंग मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर लगेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये 1 सेल हमारा रेडी हो गया। इसे साइड पर रख लेते हैं, इसका वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसे थोड़ी सी छोटी करके इसे भी सॉल्डर करके रख लेते हैं। एक हमने पॉजिटिव
वायर्स ऑर्डर करना है पॉजिटिव वाली साइड पे बैटरी की, और येलो कलर का वायर मैं इस तरफ यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद इसकी दूसरी साइड के ऊपर मैं नेगेटिव वायर यानी कि ब्लैक कलर का एक वायर सोल्डर करके इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगा ऊपर की तरफ। काफ़ी इजी वायरिंग है इसकी, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो बोर्ड है इसका, बैटरी मैनेजमेंट बोर्ड जो आपको मिलेगा, चार्जिंग मैनेजमेंट लिथियम आयन बैटरी का, उसके ऊपर सारी वायरिंग डायग्राम पॉजिटिव नेगेटिव सारी मार्किंग हुई हुई होती है, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से नेगेटिव मैं लेके गया हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ कनेक्ट हो गया, वायरिंग के थ्रू करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर तीन पॉकेट्स बने हुए हैं इस बैटरी पैक के अंदर, तो हमें उसी हिसाब से वायर, अगर ये ओपन होता तो मैं नीचे के नीचे ही एक पैक बना के अंदर रख देता बैटरी का। तो वायरिंग काफ़ी ईजी है, मतलब आपने तीनों बैटरीज को लूप में लगाना है ताकि ये एक पैक जो हमारा बैटरी का बन रहा है 3.7 वोल्ट है, और जब तीन पैक एक साथ जुड़ेंगे तो ये तकरीबन 11.5 वोल्ट बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपने बीच में जो लूप है वहाँ से भी एक एक वायर सॉल्डर कर लेना है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव और एंडिंग में नेगेटिव वायर निकलेगा, बीच में से दो और वायर निकलेंगे दोनों बैटरियों के बीच में जो कनेक्टिविटी है हमारी, 3.5 वोल्ट के बाद एक और 7.5 वोल्ट के बाद एक। ये हमारा बैटरी चार्जिंग मैनेजमेंट बोर्ड है, आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली 3S चार्जिंग मॉड्यूल भी कहते हैं इसे। ये यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रिप हुआ था, मैं इसे सेंड करके रेडी कर रहा हूँ, और यहाँ मैं डबल साइड टेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, डबल साइड टेप बेसिकली नहीं है तो आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे इसकी सिर्फ थिकनेस बढ़ाने के लिए और ताकि अंदर मूव ना हो उसके लिए इसके अंदर यूज़ करने जा रहा हूँ, बैटरी के पॉकेट्स के अंदर ये आसानी से फिट हो सके। तो हम इसे यूज़ करेंगे, बैटरी इसकी दोनों साइड पर हम लगाएंगे डबल साइड टेप ताकि ये अच्छे से आराम से अंदर बैठे रहे और हिले नहीं जब आपके चलेंगे। अच्छा, ये बैटरी जो मैं बना रहा हूँ इसे आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं, इसे आप घर में आप फैन वगैरह चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहेगी, बाइक में इतने ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने बनाया है ये ऑलरेडी यूट्यूब पर आप देखेंगे, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन मॉड्यूल नहीं रखा है क्योंकि बाइक कंटिन्यूसली चार्ज करेगी तो आपकी लिथियम बैटरी फट जाएगी और डैमेज होगी। काफ़ी लोगों ने कैपेसिटर्स के साथ भी बनाया हुआ है। वायरिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजी है, नेगेटिव वायर सॉल्डर हो गया है, उसके बाद नेगेटिव के बाद वाला जो 3.5 वोल्ट का सेंटर पॉइंट है वहाँ से दूसरे सेल से पहले सेल तक के बीच का जो लूप है वहाँ से एक पॉइंट निकल कर आके यहाँ पर ब्लैक यहाँ लग जाएगा सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड पॉइंट के ऊपर भी ये वायर लग गया, देख रहे हैं आप लोग जैसे कि, और फिर थर्ड पॉइंट जो है इसका सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आके इस तरफ लग जाएगा, और इसके बाद जो है इसका लास्ट पॉइंट होगा, ये अभी थर्ड पॉइंट लगा रहा हूँ मैं जो 7.5 वोल्ट वाला है। करता ये है कि ये सिर्फ सारे सेल्स को इंडिविजुअली चार्ज करता है और इस तरीके से आपकी बैटरी डैमेज नहीं होती, और जहाँ पर जो सेल चार्ज होता है उसको वहीं पर उसकी चार्जिंग रोक देता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस प्लास्टिक को जलाकर इसके अंदर से हैवी गेज जो हमारा वायर है उसको गुजारने की जगह बना रहा हूँ, यहाँ से ये इस तरीके से गुजर सकेगा, कैमरे में इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ऊपर से मैंने जो शॉर्ट पीस लगाया था वो मैंने रिमूव कर दिया, नीचे से आने वाला लॉन्ग पीस को मैं इसके अंदर सॉल्डर कर देता हूँ और उसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे बाद में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले आपने अरेंज करना है कि बंद किस तरीके से होगा ये। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का ज़रा ध्यान रखना है, बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी मार्किंग्स होती हैं सारी, आप लिंक दे दूँगा अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हैं। ये फोम का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इसके अंदर, ब्लू कलर का मेरे पास फोम पड़ा हुआ था, मैं इसे यूज़ करूँगा बैटरीज प्रोटेक्शन के लिए, सेल्स और बोर्ड के बीच में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए मैं इसके अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैंने उसके नीचे भी डबल साइड टेप लगाया हुआ था बोर्ड के नीचे, लेकिन फिर भी और इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि हमारी जो बैटरीज़ हैं वो हिलेंगी नहीं, मूव नहीं होंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी, इधर उधर जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ लूज़ है। लूजिंग से भी काफ़ी बार आपकी सोल्डरिंग्स टूट जाती हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर हॉट ग्लू भी थोड़ी सी फिल कर देंगे ताकि हमारी वायरिंग जो है अपनी जगह पर बनी रहे, हिले नहीं बिल्कुल भी, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए मैं ऊपर वाले जो टर्मिनल्स है उसके अंदर भी, यहाँ पर ये देखें, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए मैं ऊपर वाले टर्मिनल्स को भी हॉट ग्लू यानी कि सिलिकॉन ग्लू से इसको कवर कर दूँगा। तो यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको बंद करेंगे, बंद करने के लिए हम देख रहे हैं कि सारे वायर्स बिल्कुल भी इधर उधर दब ना रहा हो, कोई भी वायर जो है बीच में बेंड ना हो रहा हो ज़्यादा और दब ना रहा हो, ये ध्यान रखते हुए आपने बंद करना है। सुपर ग्लू आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास इंस्टेंट ग्लू है और जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बस। इसको हम चारों तरफ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये इसको हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए।
ये जैसे ये ड्राई हो जाए आप इसके ऊपर ब्लैक अपना इलेक्ट्रिकल टेप भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी एजेस जो है वाटर टाइट हो जाए और भी अच्छी तरीके से, और हमारी अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर अच्छे से बैटरी को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये बैटरी आपकी काफ़ी साथ देने वाली है, और इसकी खास बात यह है कि आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं कभी भी। तो अगर आपकी बाइक की बैटरी कभी भी डेड होती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। बाइक की जो बैटरी होती है वो इतनी हाई एम्प्स नहीं चाहिए होती, उसमें से उसने एक हेडलाइट और इंडिकेटर्स और हॉर्न के लिए होती है, तो वो ये काम कर जाएगी बैटरी। अब हम इसे चार्ज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्ज हो रहा है। हाँ, ये चार्ज हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप लोग देख रहे हैं। तो जैसे ही ये मैंने इसे थोड़ा सा चार्ज किया, और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि कहाँ तक पहुँची है। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट देनी चाहिए। ये देखिए 11.45, तकरीबन 12 वोल्ट ये दे रहा है। तो इसे कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं आप किसी भी लेड एसिड बैटरी चार्जर से, या 12 वोल्ट आपके पास DC अडाप्टर हो उससे भी। हमें अभी ये फ़ैन टेस्ट कर लेते हैं कैसा चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ़ैन काफ़ी हाई स्पीड पर चल रहा है, ये 1.5 एम्प का फ़ैन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी के वीडियोस को भी जाकर देखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।